बीजेपी सरकार में पूर्व सीएम धूमल और उनके सुपुत्र अनुराग ठाकुर पर एचपीसी के केस की वापसी की अटकलों पर कांग्रेस ने तल्खी दिखाई है। हमीरपुर से पूर्व संसदीय सचिव एवं बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने केस वापस लेने के लिए हो रही डिनर डिप्लोमेसी पर चुटकी ली है। लखनपाल ने धूमल पर आरोप लगाया कि वह पुत्र मोह में फंसे हुए हैं और अपनी बेटी के सिवाय लोकसभा के लिए और कोई नेता नहीं दिखता है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार हाईकोर्ट में चले हुए केसों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लखनपाल ने कहा कि आज धूमल को बीजेपी ने किनारा किया हुआ है तो वह अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हर कहीं होती है राजनीति में, उनकी पार्टी में भी है। आज धूमल साहब को किनारे किया हुआ है तो धूमल साहब भी तो अपने वर्चस्व के लिए गली गली में घूम रहे हैं। क्या उनको अपने पुत्र के सिवाय कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई कैंडिडेट ही नहीं दिखता है? अगर वो वंशवाद की बात करते हैं, राहुल गांधी के ऊपर प्रहार करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं, वो छोड़े अनुराग ठाकुर को, किसी युवा नेता को आगे करें, भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं करते हैं? अब उनको वंशवाद याद नहीं आता है? पुत्र मोह में फंसे हुए वो कभी डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण काम है कि आज जो कानून के दायरे में केस हाईकोर्ट के अंदर चले हुए हैं उनको विड्रॉल के लिए डिनर डिप्लोमेसी की जाती है। शिमला के अंदर बैठकर एक दबाव बनाया जाता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जयराम जी के ऊपर कि आप जो है केस वापस लो, तो जो और केस जो झूठे केस बनाए गए हैं उनको क्यों नहीं वापस लेते? ये दो तरह का कानून देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लागू नहीं हम होने देंगे। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरा युद्ध लड़ेगी, पूरी लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, सब झूठ के ऊपर झूठ करी जा रहे हैं। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि हमीरपुर से भेदभाव किया जा रहा है और केवल मंडी जिला में ही विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में 7 महीने में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है और पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुए कामों को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय को तो हमीरपुर के भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री नहीं मानते। जिला हमीरपुर में आज इतनी भेदभावपूर्ण हो रहा है। आज मैं पीछे पढ़ रहा था, कभी जो स्कूलों में लेक्चरर आ रहे हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर आ रहे हैं, वो मंडी जिला के सिवाय मुख्यमंत्री महोदय को कुछ दिख ही नहीं रहा है। जो भी बड़ी से बड़ी स्कीमें आ रही है मंडी में, बलघाटी में या चौहारघाटी में या फिर उनके सिराजघाटी में, हमीरपुर में जो है हमारे 7 महीने में कोई एक उपलब्धि बता दें। जो पूर्व सरकार के समय में काम चले हुए थे उनको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। आज जो भी काम चल रहे हैं प्रदेश के अंदर वो पूर्व में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सरकार के समय में जो स्वीकृत हुए थे वही काम चल रहे हैं, नए काम कोई नहीं चल रहे हैं। और बदला बदलियां इतनी हो रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हजारों ट्रांसफरें कर दी हमारे जिला के अंदर और उसमें से सैकड़ों अध्यापकों ने और कर्मचारियों ने कोर्ट का सहारा लेकर स्टे लिए हुए हैं। महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा है, दूर दराज के क्षेत्रों में उठा के पटक दिया जा रहा है। ट्रांसफर जो पॉलिसी बनी हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी, उसकी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन आज सैकड़ों कर्मचारी जो है, जो ट्राइबल स्कूल खाली हो गए हैं, हाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है कि हमारे वस्तु स्थिति बताई जाए कि स्कूलों में टीचर क्यों नहीं है। तो इस प्रकार का जो भेदभाव पूर्ण जो रवैया अपनाया जा रहा है ये निंदा का कारण है और इसके निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो चुप बैठने वाली नहीं है और ये भी हम सरकार को आगाह कर देते हैं कि अगर लोकतंत्र का हनन करने की कोशिश करेंगे तो उसको सदन के अंदर भी पूरे जोर से उठाया जाएगा और बाहर भी पूरे जोर से उठाया जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के गत दिवस कांग्रेस के ऊपर दिए गए बयानों पर विधायक लखनपाल ने पलटवार किया और उल्टा बीजेपी को प्रदेश में हालात खराब करने के लिए जिम्मेवार ठहराया। साथ ही पार्टी के वर्चस्व पर बीजेपी को भी जमकर कोसा।